हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर सोते हुए या फिर कभी कभी बैठे हुए भी पैरों में नस चढ़ने की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे बहुत ही तेज दर्द होता है। नस पे नस चढ़ने की वजह से हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। कई बार इसमें मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ जाती हैं। इस दौरान मांसपेशियों में कठोर गांठ भी बन जाती है। ऐसा भी देखने में आता है कि बार बार नस पर नस चढ़ने से धीरे धीरे नसें काम करना ही बंद कर देती हैं। इसलिए अगर आपको ये तकलीफ ज्यादा हो रही है या बार बार होती है तो आप उसे इग्नोर ना करें। इसके कारणों को जानने की कोशिश कीजिए ताकि आसानी से इसका इलाज किया जा सके। इसके कारणों की अगर बात की जाए तो शरीर में पानी की कमी, ब्लड में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से भी नस चढ़ने की प्रॉब्लम हो जाती है। नस चढ़ने की प्रॉब्लम तब भी होती है जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है या फिर पेशाब ज्यादा होने वाली दवाओं के सेवन के कारण। पैर की धमनियों की अंदरूनी सतह में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से, इनके सिकुड़ने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने पर, ज्यादा सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन करने, किसी भी तरह के इन्फेक्शन की वजह से भी नस पे नस चढ़ने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट स्ट्रोक और किडनी की प्रॉब्लम्स होने की वजहों के कारण भी शरीर की नसें कमजोर हो सकती हैं। कब कहां कहां की नस चढ़ जाए इसका पता नहीं होता। खासकर देखा जाए तो पैरों में इस प्रॉब्लम को ज्यादा देखा जाता है। दोस्तों, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का अच्छे से होना बहुत ही जरूरी है। नसें तभी तक अच्छे तरह काम करती हैं जब खून नसों में अच्छे से बहे। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा तो वह हिस्सा सुन्न हो जाता है, उसमें ऐठन होने लगती है और उस जगह पर हाथ लगाने पर ठंडा महसूस होता है, उस हिस्से में दर्द होने लगता है और नस पे नस चढ़ने की समस्या भी होने लगती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि नस पे नस चढ़ गई है, इसके क्या लक्षण होते हैं, चलिए इस पर गौर करते हैं। हाथ पैरों में सुन्नपन होना, सोते हुए हाथ थोड़ा दबते ही सुन्न होने लगता है। कई बार एक हाथ सुन्न हो जाता है तो दूसरे हाथ से उसको उठाकर करवट बदलनी पड़ती है। सीढ़ी चढ़ते हुए घुटनों के नीचे के हिस्से में खिंचाव आना, गर्दन को आगे पीछे, दाएं बाएं और घुमाने में दर्द होना, चलते समय बैलेंस का बिगड़ना, मांसपेशियों में ऐठन, विशेषकर जांघ व घुटनों के नीचे मसल्स क्रैम्प होना, रात को सोते समय नस पे नस चढ़ना, मतलब अचानक कुछ मिनटों के लिए तेज दर्द होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। आइए जानते हैं नस पे नस चढ़ने व ऐठन की प्रॉब्लम को कैसे घरेलू तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, नस चढ़ने वाली जगह पर स्ट्रेच करें और हल्के हाथों से मालिश करें। वेरिकोन्स वेन्स की प्रॉब्लम है तो सोते समय पैरों को ऊंचाई पर रखें, सर के लेवल पर पैरों को रखें। आप पैरों के नीचे तकिया रख सकते हैं, पैर में इलास्टिक पट्टी बांधें जिससे पैरों में खून जमा ना हो पाए। शराब, तंबाकू, सिगरेट और ऐसी ही दूसरी नशीली चीजों का सेवन ना करें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो इसे घटाइए। रोज सैर पर जाएं या फिर जॉगिंग करें, इससे टांगों की नसें मजबूत होती हैं और आपका वजन भी कम होगा। फाइबर युक्त भोजन करें, जैसे चोकर वाली चपाती, ब्राउन राइस, सब्जियां और फलों का सेवन करें। आप ओट्स भी खा सकते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। जहां पर नस चढ़ गई है वहां पर बर्फ की ठंडी सिकाई करें, ऐसा दिन में 3-4 बार करें। मैदा और पास्ता जैसे रिफाइंड फूड का सेवन नहीं करना है। डाइट में नींबू पानी, नारियल पानी, मौसमी फल, अनार, सेब, पपीता, केला आदि शामिल करें। सब्जियों में पालक, टमाटर, खीरा, ककड़ी, फलियां, आलू, गाजर, चुकंदर आदि का खूब सेवन करें। इसमें बहुत सारा विटामिन सी, विटामिन ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मैग्नीशियम होता है जो नसों को मजबूती देता है। इसके अलावा आपको ओमेगा 3 जरूर लेना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आलमंड, मछली, अलसी और वॉलनट में बहुत सारा ओमेगा 3 पाया जाता है। गर्मी के मौसम में आप चिया सीड्स का भी सेवन कर सकते हैं। चिया सीड्स में काफी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इसे आप जरूर खाइए। ये नसों की कमजोरी को दूर करता है। किशमिश खाने की आदत डाल लीजिए, खासकर काली वाली किशमिश जिसके अंदर बीज होती है। आप जब भी बाजार से किशमिश लेने जाएं तो काली वाली किशमिश लाइए और बीजों वाली किशमिश लेकर के आइए। इसके अंदर जो बीज होते हैं ये नसों को मजबूत करने का काम करते हैं। रोजाना 20-25 किशमिश रात को पानी में भिगोकर सुबह इसका सेवन किया करें। ये बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स देने के साथ ही नसों की कमजोरी को दूर करती है। इसके अलावा दोस्तों, शरीर में ब्लड क्लॉट्स नहीं जमने देती वो चीज है लहसुन। नस पे नस चढ़ने या फिर नसों में कमजोरी आने का मेन रीजन होता है हमारे नसों में ब्लड का फ्लो प्रॉपर ना होना। क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, तो बॉडी की जो नसें होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं। इसके लिए आपको लहसुन जरूर खाना चाहिए। ये नसों में ब्लड क्लॉट्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को नहीं जमने देता।
लहसुन में सल्फर की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए रोजाना लहसुन खाने से आपके ब्लड सर्कुलेशन की समस्या और दिल की बीमारियों से काफी हद तक बचाव होता है। लेकिन इसके लिए आपको लहसुन कच्चा खाना है। आप रोजाना लहसुन की एक दो कली कच्ची ही सुबह सुबह खा लीजिए, या फिर लहसुन को आप शहद के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद के बिना ही खाएं। इसके अलावा रोज कच्चा प्याज खाइए। प्याज में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो धमनियों को बंद होने से रोकते हैं, यानी नसों में ब्लॉकेज नहीं होने देते हैं। यदि आपकी नसों में बहुत तेज दर्द होता है, अक्सर नस पे नस चढ़ने की प्रॉब्लम रहती है, तो उस जगह पर पुदीना के तेल की मालिश करें। इससे आपको नसों के दर्द से राहत मिलेगी। अगर आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम भी है तो वहाँ पर भी पुदीने के तेल से मालिश कीजिए। वेरिकोज वेन्स में भी फायदा मिलता है। पुदीने का तेल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं तो आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से ले लीजिए। हर आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर पुदीने का तेल मिलता है। रोजाना कच्चा टमाटर खाइए। टमाटर खाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। जिन्हें पथरी की समस्या है वो टमाटर को अवॉइड करें। इसी तरह आप अपनी डाइट में कुछ बीजों को जरूर शामिल करें। आप अलसी के बीज खाइए या फिर पम्पकिन सीड्स खाइए, सूरजमुखी के बीज खाइए या फिर आप मेथी के बीज खाइए। बीजों में दोस्तों ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। इन्हें जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। रोजाना 10 ग्राम की मात्रा में आपको इन बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। आप मिक्स बीजों को रात को भिगो दीजिए और सुबह भीगे हुए बीजों का सेवन कीजिए। इस तरह भिगो कर पूरी गर्मी के मौसम में खाइए। ये आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देगा और नसों को, आपकी मांसपेशियों को मजबूती देगा। इसके अलावा विटामिन B12 का खास ख्याल रखें। जैसा मैंने आपको बताया, विटामिन B12 की कमी से नसें कमजोर हो जाती हैं और नस पे नस चढ़ने की समस्या देखी जाती है। तो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट जरूर डाइट में शामिल करना है, यानी आप दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों परहेज की बात करें तो शक्कर और नमक आपको कम खाना है। इसके अलावा ऑयली फूड, रिफाइंड तेल बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। आप शुद्ध तेल खाइए। पहले के जमाने के लोग शुद्ध तेल ही खाया करते थे। जब से रिफाइंड तेल आया है हमारे घर में, तब से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हमारे पूर्वज लोग पहले शुद्ध तेल ही खाया करते थे। आप मूंगफली का शुद्ध तेल खाइए, तिल का शुद्ध तेल खा सकते हैं, आप कोकोनट शुद्ध तेल खा सकते हैं या फिर सरसों का शुद्ध तेल खाइए, ऑलिव ऑयल खाइए, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, रिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप नस पे नस चढ़ने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, नसों को मजबूती दे सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, योग एक्सरसाइज कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।